अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम गरीब और मुस्तहिक घरानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जिन खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप की जानिब से पहले की 7,000 रुपये मिल चुकी है, उन घरानों को अब हुकूमत की जानिब से दूसरी किस्त और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से एक और नए इमदादी प्रोग्राम के जरिए 50,000 रुपये की इमदाद देने का बहुत बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से दो नए प्रोग्राम के जरिए इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको इमदाद लेने से लेकर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं कि जी हाँ 50,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है, लेकिन कोई भी आपको ये अथेंटिक न्यूज़ नहीं देगा कि 50,000 रुपये की इमदाद किस तरह और किस तरीक़ेकार के जरिए इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। और दूसरे नंबर पर जो हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप की जो दूसरी किस्त दी जा रही है उसमें आप किस तरीके कार के जरिए दोबारा फिर इंदराज कर सकते हैं, अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला। उसके उससे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश भी करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलेगा इस बगैर टाइम इसकी वीडियो जानिब बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जिन घरानों को हुकूमत की जानिब से पहले किस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप की मिल चुकी है तो वो घराने क्या काम करें, उन्होंने जस्ट एक पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को चेक करना है। अगर वहां पर आपको 7,000 रुपये की इमदाद शो हो रही है, इसका मतलब आपकी इमदाद आ चुकी है और आप किसी भी करीबी सेंटर से जाकर अपनी इमदाद को बहुत ही आसानी तरीकेकार के जरिए वसूल कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर कोई भी इमदाद नहीं शो हो रही, आपको वहां पर कहा जा रहा है कि अभी तक आपका पेंडिंग में आपकी फर्स्ट इमदाद आपको मिल चुकी है, वो 7,000 रुपये की दूसरी किस्त अगर आपकी नहीं आई वहां पर आपको शो नहीं किया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर वो बात आ जाती है कि जो खानदान ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये का जो नए इमदादी प्रोग्राम का आगाज किया गया है, ये किन घरानों को और किस तरीके कार के जरिए इमदाद दी जाएगी, इसमें अप्लाई करने के बारे में आपको ए टू जी समझा देता हूं। इसमें आपने क्या काम करना है, आपने 8667 कोड याद कर ले, 8667 पर आपने क्या करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने सेंड कर देना है और जैसे सेंड करेंगे आपको उसमें इंदराज हो जाएगा और आप इस प्रोग्राम के जरिए इमदाद हासिल करेंगे। लेकिन ये इस प्रोग्राम के जरिए कौन कौन से अफराद इमदाद लेंगे, ये वो घराने इमदाद ले सकते हैं जिन घरानों का जो घर है वो पानी की लपेट में आ गए थे और जिन घरानों को पहले 25,000 रुपये की इमदाद मिली थी सैलाब जदगान इलाकों में। ठीक है, सैलाब जदगान इलाकों में उन घरानों को 50,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है क्योंकि उनके जो घर थे वो पानी की लपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से उन घरानों को ये मुआवजा दिया जा रहा है। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।